जय भीम, जय जोहार, जय प्रसाद, जय प्रियार। मैं हूं देव प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज अर्थात बुद्धिस्ट कल्चर न्यूज चैनल। आपने पीछे स्लोगन देख ही लिया होगा, मैंने 5 प्रश्न धीरेन्द्र शास्त्री से इस वीडियो में पूछे हैं ताकि इनकी जो खोज है, इनकी जो सिद्धि है उसको परखा जा सके। क्योंकि हो सकता है कि जैसे न्यूटन ने खोज की, इन्हें सिद्धि करते हुए ये ज्ञान विज्ञान मिल गया हो, जो भविष्य की बातें जान लेते हैं, बता देते हैं। तो अगर ये मेरे 5 प्रश्नों का सही जवाब दे देते हैं तो निश्चित रूप से मैं तो इनकी बातें मान ही लूंगा, ये पक्का वादा है, ठीक है। साथ ही इस ज्ञान विज्ञान का इनका जो प्रयोग है, भारतीय जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, भारतीय पुलिस सिस्टम और सेना को भी इनकी सिद्धि का, इनकी जो ट्रेनिंग का, इनकी जो खोज का वहां पर प्रयोग किया जाएगा ताकि भारत की ओर, हमारे देश की ओर, भारत मां की ओर आंख उठाने वाले हर शख्स को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, मानवता के प्रति जो हमारे देश में अपराध होते हैं उन्हें रोका जा सके और सही व्यक्ति को तुरंत सही जगह पर भेजा जा सके। यानी जो हमारे देश के खिलाफ होगा हम उसको तुरंत सजा दिलवा देंगे। मैंने धीरेन्द्र शास्त्री से इस वीडियो में 5 सवाल पूछे हैं। ध्यान रखिएगा, अगर ये 5 सवालों का सही जवाब आता है तो मानूंगा कि हाँ ये ज्ञान विज्ञान की खोज है, नहीं तो सीधे सीधे यही बात पुष्ट हो जाएगी कि अन्य बाबाओं की तरह ये भी पाखंड फैला रहे हैं। ये जो भारत की भूमि है इसमें सारे धर्म के लोगों, प्राचीन ऋषि मुनि से लेकर के बौद्ध जैन और विभिन्न समुदाय के जो महान विद्वान हैं उन्होंने इस देश को समृद्ध बनाया है। ज्ञान विज्ञान को देकर के, ग्रंथ को देकर के, आर्य विज्ञान को देकर के भारत को विश्वगुरु बनाया है। आज उसी विज्ञान की कसौटी पर कसे जाएंगे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। इसमें मैंने 5 प्रश्न पूछे हैं, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, 5 प्रश्न आप जरूर समझ लीजिएगा। अगर इनका आंसर आता है, मुझे नहीं आए, आपके पास आए या किसी वीडियो के माध्यम से अगर हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक जरूर दीजिएगा। मेरा पहला प्रश्न क्या है, हमारा पहला प्रश्न ये है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो हत्या हो गई थी है ना, वो किसने की और किस उद्देश्य की, उनके बारे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जरूर बताएं। ध्यान रखिएगा, पहला है क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस देश की धरोहर हैं, उनका सिद्धांत को बहुत से लोग फॉलो भी करते हैं और उनकी हत्या आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से मेरा निवेदन है कि इस पर स्पष्ट रूप से अपना वीडियो बनाए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या किसने की और क्यों की। प्रश्न संख्या 2 की मैं बात करूं, एक नारा आपने सुना होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमें फक्र है कि हम उनके विचारों को फॉलो करते हैं। बहुत बड़ी बात है जो कोई शख्स ये नारा दे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वो शब्द, वो वाक्य ऐतिहासिक वाक्य है और मुर्दों में भी खून का उबाल पैदा कर दे, वो सवाल है। लेकिन आज इनकी भी मृत्यु से लोग वाकिफ नहीं है, कैसे मृत्यु हुई, इन्होंने अंतिम कहा सांस ली, हमें पता नहीं है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के पास जो सिद्धि है उससे ये पता लगा सकते हैं कि किसने की, कहां की और उन्होंने अंतिम सांस कहां ली। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, मेरा दूसरा सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कहां पर हुई और उन्होंने अंतिम साहस कहां ली, देश जानना चाहता है इनके बारे में और आपकी सिद्धि ये बता सकती है। अगर इसका आंसर आएगा तो मुझे स्वागत, मैं स्वागत करूंगा। और ध्यान रखिएगा, मैं पाखंड का विरोधी हूं, एक आप एक नजीर इस देश को पैदा कर सकते हैं आपने ज्ञान विज्ञान और जो सिद्धि जो की हुई है, जो इस मानव के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, आप कृपया करके इसका जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि आज भारत में संविधान को लेकर के कुछ लोग मानने वाले लोग हैं, अधिकांश तो संविधान को मानते हैं लेकिन कुछ लोग मनुस्मृति को भी मानते हैं। आप बताइए कि इस देश को, देश के लिए भारतीय संविधान जरूरी है या मनुस्मृति, इस बात को भी आपको जवाब देना है कि आप अपनी सिद्धि से, आप प्रज्ञा बल से, आप अपने जो जो जिनकी आप सिद्धि है, जो आपको आदेश देते हैं, जो आपको बताते हैं, उनसे पूछिएगा कि इस चुनाव के बाद में, इस चुनाव के बाद में भारतीय संविधान बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा,
या भारतीय संविधान जरूरी है या मनुस्मृति जरूरी है, आप मुझे आशा है इस बात को स्पष्ट करेंगे। अगला प्रश्न है कि मलेशिया का एयरलाइंस जिसकी उड़ान 370 है, नेट पे थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, आज तक इस विमान का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, सबसे महंगी ये अब तक इसकी खोज हुई है लेकिन ज्यादा मामला निकल के नहीं आया, कहां गया ये, कैसे नष्ट हुआ, जमीन खा गई, आसमान निकल गया या समुद्र इसको लील गया, आप अपनी सिद्धि से ये बताइए कि मलेशिया एयरलाइंस की जो उड़ान 370 थी वो कहां पर नष्ट हुई, कहां उसका मलबा, क्या हुआ उसका, आप अपनी सिद्धि के प्रज्ञा के बल से इसको जरूर बताइएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल 2019 से लेकर के आज तक हमारे लोग इस पर बहुत चर्चा में बसे हुए हैं कि पुलवामा अटैक में हमारे बहुत शहीद हो गए, हमारे माताओं बहनों के जो बेटे हैं भाई हैं वो शहीद हुए हैं और हरेक भारतवासी को उस पर बहुत दुख हुआ था और इतनी आग थी कि कुछ चंद लोगों ने यह घटना को अंजाम दिया, उन्हें सजा दिलवाना है, लेकिन मेरे देश में मेरे भाइयों को मेरे सैनिकों को जिस आरडीएक्स से उड़ाया था, आरडीएक्स से उड़ाया था, वो आरडीएक्स अभी तक पता नहीं लग पाया है, बता सरकार तो फेल हो गई है, आने वाली भी सरकार भी शायद ये ना बता पाए। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री आप अपनी सिद्धि के बल पर बताइए मेरे देश के सैनिकों को मारने वाला आरडीएक्स कौन शख्स लाया था, किस मार्ग से लाया था, कहां पर यह रखा हुआ था और भारत में किस किस नेता को इसकी जानकारी थी, भारत में कुछ गद्दार लोगों को क्या इसकी जानकारी थी, उनके नाम आप स्पष्ट करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी इस सिद्धि के बल पर मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे। साथ ही मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम किसी भी के धर्म के विरोधी नहीं हैं। भारतीय संविधान सभी धर्मों को अलाउ करता है, उनके ज्ञान विज्ञान को अलाउ करता है और हमारा उद्देश्य सीधा है, हमारा उद्देश्य है प्रबुद्ध भारत समृद्ध भारत, सभी धर्मों के अच्छे विचारों का प्रसार हो, अंधविश्वास पाखंड स्त्री और मानवता विरोधी विचारों का त्याग हो। ध्यान रखिएगा हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से विनम्र निवेदन है कि आप इस इन प्रश्नों की श्रृंखला का उत्तर देंगे और साथ ही में उन लोगों को भी कह देना चाहता हूं अंधभक्ति में कोई भी गलत टिप्पणी न करें, गाली गलौज न करें, क्योंकि गाली गलौज करने वाला पाकिस्तानी डीएनए का होता है, मेरी पोस्ट में गाली गलौज करने वाला बहुत शख्स देश विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, भारतीय धर्मों का विरोधी है, भारतीय संस्कृति का विरोधी है, मेरी पोस्ट में नीचे गाली गलौज करने वाला अपशब्द कहने वाला निश्चित रूप से वो अपनी अपने घर में संस्कारों को ही बतलाएगा अगर वो गाली देता है, इसे उनकी माता और बहनों के द्वारा जो सिखाया गया है वही प्रदर्शित होता है। आशा है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री तक मेरा ये वीडियो पहुंचेगा और वो इस बात का जवाब देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा, आप इन प्रश्नों के बारे में क्या राय रखते हैं ये बतलाइएगा, और अगर कोई भी आपके पास अपडेट हो तो भी कमेंट बॉक्स में इसे जरूर बतलाइएगा ताकि मैं भी अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय जोहार।